सभी किसान भाई और दर्शक भाइयों को हमारा नमस्कार। तो आज मैं आया हूं मंथन जी के फार्म पे। तो यहां पे जो हम उनसे चर्चा करेंगे और उनके फार्म को देखेंगे। तो जैसे कि मंथन जी के फार्म पे मंदर आ चुके हैं और ये देख रहे होंगे, तो अब हम मंथन जी से मिलेंगे और उनके साथ जो है हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे इस विषय के बारे में। तो आज हम आए मंथन जी के फार्म पे मंचल लाइफ स्टॉक। तो मंथन जी जरा आप बताएं कि ये फार्म आपका कहाँ पर स्थित है। जी, ये हरियाणा में यमुनानगर जिले में बिलासपुर नाम का एक कस्बा है, उसके साथ ही एक गांव जुड़ा हुआ है मछरौली। जी, तो ये लगभग यमुनानगर में बिलासपुर में मछरौली एक विलेज है, तो वहाँ पे हमारा ये फार्म है। आप विजुअल्स में देख रहे होंगे कि मंथन जी ने हमारा जो फार्म है, ये हम बहुत ही प्यारे तरीके से जो है इसको मेंटेन किया हुआ है। बहुत ही अच्छी इनके पास ब्रीड है, काफ़ी अच्छे से ये फार्म को चला रहे हैं और काफ़ी सिस्टमेटिक है। तो हम इनसे बात करते हुए जो है आपको विजुअल्स में इनका फार्म भी देखते रहेंगे और बात करते रहेंगे। तो मंथन जी, आपके फार्म को कितना टाइम हो चुका है? लगभग एक साल और कुछ दो महीने के आसपास। लगभग एक साल कुछ महीने जो है आपको हो चुका है। तो अभी तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है फार्म में? एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। इसमें अप्स एंड डाउन्स तो हर बिजनेस में होते हैं, लेकिन ठीक है, अच्छा मतलब अभी तक का ऐसा कोई निराशाजनक मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। जी। तो मैं आपको साथ में बताना चाहूंगा कि वीडियो के आखिर तक जरूर रहना है, क्योंकि जो है मंथन जी ने यहाँ पे जो है मुर्गे भी रखी हुई हैं और पीक फार्मिंग से ही मछली का भी जो है ये फार्मिंग कर रहे हैं, तो वो भी हम आपको आखिरी में दिखाएंगे उसके बारे में। तो वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मंथन जी, आप जो है जैसे कि ब्रीड कहाँ से लेके आए थे? देखिए जी, सबसे इम्पोर्टेंट इस बिजनेस में ब्रीड ही है, तो ब्रीड के मामले में मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, तो मैंने विकास जी से ही ब्रीड ली थी और मैं काफी खुश हूँ, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। किसी भी तरीके की आप जैसे कि क्या लेके आए थे आप हमारे यहाँ से? मैंने पिगलेट्स लिए थे लगभग 40 के आसपास, जिसमें 22 के आसपास तो मादाएं थी, नर थे, बाकी जो रेस्ट है वो मादाएं थी। तो वो आपने जो है जो 22 नर थे वो फैट नर में सेल कर दिए? हाँ जी, वो सेल कर दिए। और उसके अलावा जो फीमेल थी वो आपने क्रॉस करा दी? क्रॉस कर। तो मेरे ख्याल से ये भी वही फीमेल थे? हाँ जी, आप ये देख रहे होंगे। उसमें से कुछ सेल भी होगी थी, तो ये अभी 11 बची है मेरे पास। तो ये 11 जो फीमेल्स हैं, आप जैसे कि ये रूम देख रहे होंगे इधर वाले, ये सारे के सारे जो आपके रूम्स हैं, ये इन्होंने मेरे ख्याल से फेयरिंग यानी डिलीवरी के लिए बनाया है। तो ये सारे रेल गार्ड हैं? हाँ जी, ये हाल ही में बना है, जब ये इनकी डिलीवरी नजदीक आई तो फिर ये बनाने पड़े हमें। तो ये कितने बाय कितने का रूम है? ये 6 फीट चौड़ा है और 17 फीट लंबा है। अच्छा, और इसमें आपने 9x9 पे रेल गार्ड? हाँ जी, 9x9। ठीक है ठीक है। इधर की तरफ जैसे कि आप देख रहे होंगे हमारे स्टार्टर एज के बच्चे हैं, और ये सारे के सारे दो रूम्स हैं आपके, कितने बाय कितने के हैं? ये हाफ ओपन हाफ कवर्ड है? हाँ जी, ये इनकी जो लंबाई है यानी कि हमारी तरफ ये है लगभग 20 से 22 फीट के आसपास, एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं है। जी जी। और चौड़ाई है इसकी 25 फीट। चौड़ाई इनकी 25 फीट के आसपास है। तो ये तो हमारी इनकी शायद एक फर्स्ट यूनिट है, आज ये हम सेकेंड यूनिट दिखाते हैं। यहाँ से जो है एंट्री होती है जैसे कि आप देख सकते हैं, और यहीं से एंट्री से रैंप भी है। ये एक यूनिट हो गई, ये एक सेकंड यूनिट है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी हमारी इधर आप जैसे कि देख सकते हैं फीमेल्स हैं, और इधर जो है हमारे गेट्स हैं, ये सारी की सारी अभी जो है ग्रोवर एज पे हैं ये सारे। तो क्वालिटी बहुत अच्छी है। और तो मंथन जी, जैसे कि आपने जो है इसे पिक फार्मिंग को स्टार्ट किया और आप जो है इसमें अच्छा खासा जो है व्यवसाय कर रहे हैं, आपको 1-1.5 साल के आसपास होने वाला है, तो आपने इसकी ट्रेनिंग वगैरह भी ली थी? जी बिल्कुल, ट्रेनिंग के बिना ये काम करना, शायद मेरे शब्द कड़वे हों, मूर्खता होगी। तो ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है इस बिजनेस को स्टार्ट करने, वैसे तो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, पर स्पेशली क्योंकि मैं ये काम कर रहा हूँ, तो बिना ट्रेनिंग के काम आप बिल्कुल ना करें। मेरे ख्याल से जब आप हमारे यहाँ से ब्रीड लेके गए थे उसके 2-3 महीने बाद? जी, बिल्कुल। मैं फार्म शुरू कर चुका था और मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी। मुझे भी पहले बाकी लोगों की तरह लगा कि हाँ, यूट्यूब से देख के या 2-4 लोगों से पूछ के या डॉक्टर्स की सलाह से मैं कर लूँगा, लेकिन उसके बाद मुझे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और फिर 2 महीने बाद मैंने विकास जी से ट्रेनिंग ली, और उसके बाद तो आई वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट दिस बिजनेस। आप जो है यहाँ पे रॉयल ग्रीन और आप अपनी मिक्स फीड करके कर रहे हैं, तो उसका क्या कारण है सर, वो बताएं एक तो? हाँ, तो सर मैं आपको पहले भी आपसे बात कर रहा था ऑफ द कैमरा कि अभी जैसे पीछे एक इस बिजनेस की थोड़ी सी इकॉनमी हिल गई थी, रेट बड़े डाउन चले गए थे, तो उस दौरान फीड ऑब्वियसली बहुत महंगी होना जायज़ था उनका, क्योंकि चीज़ें हाथ से परे थी, तो तब बाहर की कोई भी बाजार की फीड खरीदना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की कि रॉयल ग्रीन में अपनी फीड बना के मिक्स करके उस तरह का मिक्सचर डाला,
तो उसे रिजल्ट ठीक मिले तो हमने उसको कंटिन्यू किया अभी। अच्छा, और जैसे कि जो है आपने रॉयल ग्रीन के अलावा भी कुछ इस्तेमाल किया है? जी सर, जब मैंने फार्म शुरू किया था तो कुछ कंपनीज की फीड मैंने डाली, उससे रिजल्ट तो मिले, लेकिन इनमें इतने हार्ड स्टीरोइड्स होते हैं, इस तरह के केमिकल्स होते हैं कि वो पूरी तरह से जो इम्यून सिस्टम है जानवर का वो ख़त्म कर देते हैं, तो फिर उनको और बीमारियाँ लगती है, बुखार, खांसी, नज़ला, जुकाम, इस सब से लेके बड़ी बीमारियों तक वो जल्दी कैच करते हैं, तो नुकसान होता है, स्किन डिजीज हो जाती हैं। फॉरेन की कंपनियों का फीड यूज़ करना तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। एक तो महंगी इतनी हो चुकी है, वो सारा पैसा हम उन्हें ही कमा के देने लग रहे हैं, उसके हिसाब से तो अपनी स्वदेशी कंपनियाँ इस्तेमाल करो, वो बढ़िया है। और जैसे मंथन जी ने तो एक अच्छा देखा, आप जैसे कि देख रहे हैं कि फिलहाल इकोनॉमिक करने के लिए उन्होंने जो है रॉयल ग्रीन और थोड़ी सी अपनी फीड मिला के मिक्स फीड करके जो है ये चलाने लग रहे हैं और एक अच्छा जो है उससे रिजल्ट ले रहे हैं, क्योंकि पहले रेट भी जो है बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके थे, तो वो उस चीज़ से धीरे धीरे, अच्छा इनके पास स्टॉक बहुत ज़्यादा था जो है अपनी फीड का भी, तो वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है रॉयल ग्रीन की फीड कहाँ पे अवेलेबल है? सर मेरे बिल्कुल नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, रणजीतपुर करके एक गाँव है, वहाँ पे नीरज बंसल जी हैं जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर है, इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो वहाँ पे आपको नंबर, अगर कोई भी यहाँ यमुनानगर से रिलेटेड हो तो उनका नंबर आ रहा होगा, तो वो जो है फीड के लिए वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। और बाकी अगर किसी को भी जो है पिक फार्म की नॉलेज चाहिए हो या पिक फार्म से ब्रीड से संबंधित नॉलेज चाहिए हो, तो मंथन जी का ये फार्म है, बहुत ही प्यारा फार्म है और बहुत अच्छे जो है ये मैनेजमेंट के साथ कर रहे हैं, तो आप इनके नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको हर तरीके से डील कर लेंगे। इसके अलावा आप जो है युवा पीढ़ी, जैसे कि हमारी सबसे ज्यादा हमें युवा पीढ़ी देखती है, जी। जो लोग आजकल कोविड के बाद बहुत ज्यादा बेरोजगार हो चुके हैं, वो लोग ये देखते हैं कि जो है उन्हें पिक फार्मिंग में काफी इंटरेस्ट आता है, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि ये फ्यूचर क्या है इस काम का, उनको किस तरीके से जो है ये आप मार्गदर्शन देना चाहेंगे, थोड़ा सा बताएं। सर अभी मार्केट को और हमारे देश के हालात को देखते हुए मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि इस बिजनेस में फ्यूचर है जी। मेरी इस एक लाइन से काफ़ी कुछ एक्सप्लेन हो जाता है कि इस बिजनेस में फ्यूचर है, अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप कर सकते हैं, आपका दिल है करने का और आप मेहनत करने को तैयार हैं, तो आप इस बिजनेस में ज़रूर आइए, ये आपको फ़ायदा देगा। और बहुत कम ऐसे बिजनेस हैं जिसमें इतना मार्जिन होता है, चाहे वो 30% है या 35% है, लेकिन बाकी एज कम्पेयर टू अदर बिजनेस तो उतना मार्जिन नहीं होता और बीच में जो और तरह की चीज़ें होती हैं उसमें काफ़ी नुकसान हो जाता है। उसके अलावा मंथन जी, इसमें सेल में कोई परेशानी आती है? जी सेल में कोई परेशानी नहीं है, आप जब मर्जी तब बेच सकते हैं, आप रात को किसी दिन उठो पानी पीने के लिए और आपके पास माल खड़ा है, फोन करो, बेच दो। और कोई कैश में जो है उधारी वगैरह वाला काम? हाँ सर, ये एक पॉइंट मुझे मेंशन करना था कि किसी भी बिजनेस के सक्सेसफुल होने में ये बहुत मेजर पॉइंट रहता है उधार, तो इस जो बिजनेस में है कोई उधार नहीं है, कोई किसी और तरीके का कोई झगड़ा कुछ नहीं, आपके पास हार्ड कैश आता है, और जब जिस बिजनेस में उधार नहीं है और उसकी मार्केटिंग, उसकी मार्केट अवेलेबल है 24 आवर, तो मुझे लगता है कि ये बेस्ट सिचुएशन है किसी भी बिजनेस के लिए। जी जी, उसके अलावा जो है मैनेजमेंट में हम फंड की भी बात करते हैं कि एक आदमी के पास पैसा ज़रूर होना चाहिए इस काम के लिए, लोग जो है ये सोचते हैं कि जो है कितनी जमा पूंजी ज़रूरत है इसमें काम करने के लिए। देखिए, आपको हजारों में कमाना है तो आप 1000 लगाइए, लाखों में कमाना चाहते हैं तो 1,00,000 लगाइए, इससे ज़्यादा आप जाना तो आपको उतना पैसा पहले लगाना पड़ेगा। ये बिजनेस है, इसमें मार्जिन है, चलिए सब इस बात को एज्यूम कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सब्र करना पड़ेगा, पहले वो लगाना पड़ेगा, पेशेंस जरूरी, पेशेंस कम से कम 1.5 साल 1.5 साल, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इससे 6 महीने में पैसे कमाने लग जाएंगे तो वो सबसे गलत है, 1.5 साल 1.5 साल चाहिए, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट बहुत मोटी चाहिए। मैं बताना चाहूंगा, एक फीमेल पे 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए, 50,000 उसके घर बनाने में, 20,000 रुपए से खरीदने में, और लगभग 80,000 रुपए उसको और उसके बच्चे जो पैदा होंगे उनको 100 किलो तक खिलाने पिलाने करने के लिए, उसके बाद जब वो बच्चे बिकेंगे तो वही पैसा आपका रोटेट होता चला जाएगा, तो ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको शुरू में बचत होती है लेकिन वो दिखाई नहीं देती क्योंकि आपका माल बढ़ रहा है, माल बढ़ रहा है, इंडस्ट्री ग्रो, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, लेकिन आपको वो कैश, वो पैसा आपके हाथ में नहीं आ रहा, तो आप कभी कभी जो जिनको नॉलेज नहीं है वो निराश हो जाते हैं कि इतना मैंने माल खरीदा था, इतने ही पैसे आ गए, अब मुझे बचा क्या, तो वो चीजें धीरे धीरे सर्कल में जब रोटेट होती है तब आपको समझ में आती है, तब उसका असली मुनाफा होता है। तो एक तरीके से आइए हम चलते चलते बात करते हैं, मंथन जी ने तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग हमारी करी हुई है, हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे वैसे तो जो मंथन जी ये भैंस आपने रखी हुई है जी, ये पहली बार ब्याह की है, दूसरी ब्याह की है जी, ये एक ब्याह दे चुकी है और एक द सेकंड वन इज रेडी। अच्छा, प्रेग्नेंट है? हाँ जी। तो और इधर आप देख रहे हैं मंथन जी ने जो है देसी मुर्गे यहाँ पे रखे हुए हैं, ये देसी हैं जी? देसी हैं जी।
तो वो भी जो है यहाँ पे करते हैं, भले ही अपने लोकल के लिए जो है इनका यूज हो। इसके बाद हम जो है मंथन जी का फिश फार्म के लिए दिखाते हैं कि इन्होंने फिश फार्मिंग करी हुई है। पीक की वेस्टेज से ही जो है ये फिश फार्म करने लग रहे हैं और अच्छा जो है उसमें भी ये मुनाफा कमाने लग रहे हैं। तो मंथन जी एक चीज जो है जरूर बताना आप। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे ये मछली का पॉन्ड जो है मंथन जी का है, ये कितने बाय कितने का है? हाँ जी ये 50 फिट चौड़ा है मतलब, और हाँ 200 फिट इसकी लंबाई है। 50 फिट चौड़ाई और 200 फिट लंबाई है इसकी। जी तो मंथन जी सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपको पिक फार्मिंग का ख्याल कहाँ से आया? आप इतने अच्छे यंगस्टर हैं, आप वेल नॉलेजेबल हैं, और आपने जो है आप वैसे पहले क्या करते थे इसका भी थोड़ा सा जो है हमारे दर्शक भाइयों को बताइए। जी बिल्कुल, मैं अपने आस पास के ही एक प्राइवेट स्कूल में थिएटर टीचर था, बच्चों को ड्रामा सिखाता था। अच्छा तो उसके बाद, अब देखिए कड़े शब्द होंगे कि कलाकारी में आपका घर नहीं चल सकता, कलाकारी से सिर्फ आपका दिल पल सकता है, पेट नहीं पल सकता। तो एक बिजनेस करना था मेरा और मेरे पिताजी का एक प्लान था कि कोई बिजनेस करना है। जी, तो हम रिसर्च कर रहे थे कि किस तरह का बिजनेस हो सकता है, दुकान खोली जा सकती है, कोई शोरूम खोला जा सकता है। फिर ये सोचते सोचते इस ये नज़र आया एक दिन, ये सामने आई, ये भी इस तरह का भी कोई बिजनेस है, लोग करते हैं। फिर इसके बारे में जाना और समझने की कोशिश की, फिर देखने को मिला कि ये बिजनेस एक आपको अच्छा मार्जिन देता है, अच्छा मुनाफा दे सकता है अगर आप इसे टेक्निकली सपोर्ट पे अच्छे से मैनेज करके करें। तो फिर इसमें घुस गए और सबसे बड़ी बात यह कि आपको नेचर के नज़दीक रखता है ये बिज़नेस। सबसे बड़ी बात वाकई में है कि आप जो है इतने अच्छे रहते हैं यहाँ पे, आप नेचर में इतनी भरपूर ऑक्सीजन और इतना अच्छा वातावरण आपको मिलता है। उसके अलावा जैसे कि ये फिश फार्मिंग आपने करी हुई है, तो अभी आपने इसमें कितने, जैसे कि आप विजुअल में भी देख रहे होंगे कि मछलियाँ थोड़ी थोड़ी सी ऊपर आ रही है, तो इसमें जो है आपने मछली कितने ग्राम की डाली थी? ये मैंने इसमें लगभग 40 से 50 ग्राम का जो एक छोटा बच्चा होता है वो डाला था। और अब जो है लगभग ये आधा किलो के जी आसपास जी आप आधा बता रहे किलो हो। के आसपास और होती है। इसे आप अलग से कुछ देते हैं या सिर्फ पिग के वेस्ट पे चलता है? जी मैंने इसमें एक दाना भी कोई फीड का आज तक नहीं डाला, ये अच्छा सारा जो भी हमारे पिगरी फार्म का जो भी वेस्ट है वो यहाँ पे आके तो कंपोज मतलब होता है। आने वाले और 2-2.5 महीने में जब आप इन्हें बेचेंगे तब एक्चुअल पता चलेगा कि इससे जी क्या जी जी प्रॉफिट जी निकल गया बिल्कुल है, बिल्कुल पर उम्मीद है कि प्रॉफिट आएगा। हाँ जी बिल्कुल श्योर। चलिए तो जो है ज़्यादा और टाइम ना लेते हुए इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मंथन जी का फार्म पसंद आया होगा, आपको जो है काफ़ी नॉलेज मिली होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब के लाल बटन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।